निरुमा, ऐसा होता है कि मेरी सास कई बार मेरे ननंद की बहुत प्रशंसा करती है कि वो ये करती है, वो बनाती है, ऐसा अच्छा कर सकती है, ये अच्छा ऑर्गेनाइज किया सब, ऐसा बहुत प्रशंसा करती है। और हम भी जानते हैं कि वो ऐसा करती है अच्छा, मगर हर बार वो जब वो सुनाती है तो बहुत वो अंदर होता हर्ट होता है। तो उस समय हमें कैसे रहना चाहिए? अगर आप भी जो आप भी समझती है कि नहीं मेरी ननंद जो प्रशंसा मेरी सास करती है वो उस प्रशंसा के लायक है, ज़रूर वैसी है वो, तो फिर वो जो अपनी बेटी बेटी की तारीफ़ करती है तो आपको जो अंदर हर्ट होता है तो उसका मतलब ये है कि आपको जलन होती है कि उसकी बेटी की तारीफ करते हैं बहू की नहीं करते हैं। ऐसा होता है। अरे तो देखो ना, अभी कंपैरिजन अपन ही है, निष्पक्षपाती होके करो कि जो आपकी सास बेटी के लिए बोलती है वो तो बराबर ही है, आप भी सोचती है कि नहीं वो डिजर्व करती है, तो फिर ये जलन निकाल दो, ये आपकी वीकनेस है, ये जेलेसी, थाई नेम इज वुमन, इसमें से बाहर निकलो, पुरुष हो जाओ, पुरुषत्व आज प्रकट करो, अबला मत रहो, समझ में आया ना? ये सब वीकनेस इसमें से निकल जाओगे तो आप पुरुष समान हो जाओगे, समझ में आया ना? पुरुष वही परमात्मा है, प्रकृति को जो जीत के पार निकलता है वही पुरुष कहा जाता है। तो यही जो स्त्री प्रकृतियां हैं ना, जलसी होना, जलन होना, फिर दूसरे का अच्छा नहीं सह सकते हैं, हमको संकुचित मन रहता है, विशाल मन नहीं रहता है, बात बात में हमको किसी का बुरा लग जाता है, ये सब स्त्री प्रकृति का है, ये वीकनेस है, ये वीकनेस में से बाहर निकल जाओ। वो कहती है कि हाँ अगर आपकी सास आपकी ननंद का अच्छा बोलने लगी, बहुत तारीफ करने लगी, आप भी उसके साथ तारीफ करने लग जाओ, देखो अंदर का जलन निकल जाएगा, भाग जाएगा, और आप भी उसको पॉजिटिव देखने लगेगी, हाँ अच्छा है, बराबर है। ऐसा कर सकोगी आप? आज से निश्चय करो ट्राई करना, ट्राई करें, ट्राई करेंगे। नहीं निश्चय करो, निश्चय करोगी तो जरूर आप सक्सेस पाओगी।